तीसरे टी मैच के बारे में, जो कि यहाँ पर एल्बानो और सियनियो यानी कि कैंटो के टीमों के बीच में खेला जाएगा शाम को 4 बजे से। फाइनल टीम आपको पता ही होगा कि टेलीग्राम के चैनल पर मैं देता हूँ, तो टेलीग्राम के चैनल को जल्दी से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको लिंक देखने को मिलेगा मेरे टेलीग्राम के चैनल का, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा मेरे टेलीग्राम के चैनल पर पहुंचेंगे। आपको नीचे एक ज्वाइन बटन देखने को मिलेगा, जिसको क्लिक करके आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। इवन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप जाएंगे तो एक पिन किया हुआ कमेंट होगा, जिसमें आपको वही सेम टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको देखने को मिलेगा, उसको क्लिक करिए, सीधा ज्वाइन कर लीजिए आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को। आगे बात बढ़ते हुए करें, आप इसे कुल मिलाकर के पिच रिपोर्ट को देखें तो 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं। 5 में से 3 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने जीते हैं, 2 मुकाबले यहाँ पर चेंज करते हुए टीमों ने जीते हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि प्रेफर करेंगी टीमें यहाँ पर पहले बैट करना। हालांकि हो सकता है कि टॉस जीत करके बैट करना प्रेफर करें भी, चूंकि दिन का तीसरा मैच होगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पर विकेट में स्लोनेस आ जाएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर टीमें बैटिंग करने ही जाएंगी टॉस जीत करके। लेकिन पिच में कोई बहुत बड़ा यहाँ पर अंतर आने वाला है नहीं। हालांकि यहाँ पर एवरेज स्कोर भी अगर आप देखें तो पहली इनिंग का ज़्यादा है 95, सेकंड इनिंग का 75। हालांकि उसका एकमात्र कारण है कल के दिन का चौथा मैच, जिसमें 41 रन बनाकर के टीम ऑल आउट हो गई थी जो चेज कर रही थी, जबकि उनको 119 या 129 ऐसा कोई स्कोर चेज करना था, तो बड़े अंतर से हारी थी। इसकी वजह से आपको यह बड़ा अंतर दिखाई पड़ रहा है, बाकी ओवरऑल कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर है नहीं। विकेटें भी 6 से 7 ही गिर रही हैं हर एक इनिंग में ऑन एंड एवरेज। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो टॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, चूंकि ये देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम पहले बैटिंग या बॉलिंग करेगी, उसी की बेसिस पर फाइनल टीम बनेगी, जो कि टेलीग्राम के चैनल पर आपको मिलेगी। और टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और पिन कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। 35,000 रुपये का गिव अवे मेरे टेलीग्राम के चैनल पर इंडिया और आयरलैंड के मैच के लिए रखा जाएगा, तो जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी आपके लिए एक फ़ायदा रहेगा। बात करें यहाँ पर टीमों के, जो एल्बानो की टीम है इनका ये बैक टू बैक दूसरा मुकाबला होगा, साथ ही साथ यहाँ पर बैक टू बैक नहीं कर सकते लेकिन ये आज के दिन का दूसरा मुकाबला होगा। जबकि यहाँ पे जो कैंटो की टीम है, इस अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इनका एक मैच ऑलरेडी चल रहा है और पूरी तरह से कोलैप्स हो रहा है इनका बैटिंग ऑर्डर का। 20 रन पर ही 4 विकेट इनकी गिर चुकी हैं, लेकिन फिलहाल उस स्कोर कार्ड को तो आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल भी हम बात करें एल्बानो की टीम का, तो इन्होंने जो पहला मैच खेला 74 रन बनाए 9 विकेट पर और 12 रन के बड़े अंतर से उस मैच को जीता, जबकि एक लो स्कोरिंग गेम वहाँ पर रहा। दोनों ही इनिंग्स में 9-9 विकेटें गिरी जो अल्बानो वाला मैच हुआ उसमें। इनकी तरफ से इरफान शेख और मोनूलाल दोनों ही बिना खाता खोले आउट हो गए। इरफान शेख इसके पहले 14 मैच में 123 रन बना चुके हैं, 34 नाबाद इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है और 18 का एवरेज रहा है, जबकि मोनूलाल 7 मैच में इसके पहले 157 रन बना चुके हैं, 49 का इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है, 22 का एवरेज रहा है और 5 विकेटें भी ले रखी हैं, जबकि आज के मैच में 2 ओवर 1 मिडन 5 रन और 3 विकेटें इन्होंने चटकाई, तो जबरदस्त बॉलिंग की। हालांकि आखिरी बॉलर ग्रुप में आए थे और विकेटें निकाल करके लेके गए। इसके अलावा जोरावर सिंह बहुत ही बढ़िया बॉलर है, 2 ओवर में 5 रन दिया हालांकि विकेट नहीं मिल पाया, 8 रन की पारी खेली इसके पहले 26 मैच 222 रन 13 विकेट हैं। सतविंदर राम ये आपको कभी कभी ओपन भी करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, इस मैच में इन्होंने 20 रन बनाए, इसके पहले भी 7 मैच में 138 रन बना चुके हैं, जिसमें इनका 50 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है, तो प्लेयर अच्छे हैं। बाकी अनमोल सिंह 8 रन बना पाए, रविंदर सिंह 1 रन बना पाए, हरदीप सिंह नंबर 7 पर 27 रन बनाने में कामयाब रहे, देव सीमा इन्होंने केवल बॉलिंग की 2 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट चटकाया, अजय कुमार ने सिर्फ बैटिंग की, कोई रन नहीं बना पाए, बिना खाता खोले आउट हो गए। भारती बांगर 2 ओवर में 17 रन देकर के 3 विकेट लिए, इसके पहले भी इनके स्टैट्स काफ़ी अच्छे हैं, 7 मैच में 10 विकेटें। और गुरजीत सिंह ने भी बॉलिंग की 2 ओवर में 18 रन दिया, विकेट नहीं मिला। इसके अलावा बेंच पर जसपाल राम है, प्रवीण कुमार है, विजय कुमार वर्तिया, जसवीर कुमार और भी जो प्लेयर्स हैं सबके नाम और सबके स्टैट्स यहाँ पर मैंसन कर दिए मैंने, इसको आप देख लीजिएगा, अगर इनमें से कोई प्लेइंग 11 में खेलेगा तो स्टैट्स आपके डेफिनेटली काम आएंगे। दूसरी जो टीम है कैंटो की, इनकी तरफ से गजनफर अली, समीउल्लाह मोस्ट प्रॉबेबली, अब जो अभी मैच चल रहा है अगर मैं बात करूँ तो उसके हिसाब से आप, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस मैच में आपको गजनफर अली और समीउल्लाह ओपन करते हुए नजर आएंगे। इनके T10 के स्टैट्स और वनडे डोमेस्टिक के स्टैट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें गजनफर अली के 4 मैच में 84 रन 36 का हाईएस्ट स्कोर है और 2 इनिंग में बॉलिंग करते हुए 3 विकेट हैं। वनडे डोमेस्टिक के 1 मैच में 38 रन है, कोई विकेट नहीं है। समीउल्लाह के 4 T10 में 51 रन है, 30 का हाईएस्ट स्कोर है, 13 का एवरेज है। वनडे डोमेस्टिक के 9 मैच में 106 रन है, 14 का एवरेज है, लेकिन 15 विकेटें भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है समीउल्लाह के बारे में कि बॉलिंग कर तो सकते हैं हालांकि T10 में किया नहीं है। इसके बाद नुमान मोहम्मद 5 मैच में 171 रन 63 का हाईएस्ट स्कोर 34 का एवरेज 3 विकेट, ये है इनके T10 के स्टैट्स। वनडे में तो काफ़ी अनुभव है इनके पास, 79 मैचेस 1956 रन 25 का एवरेज और 3 विकेटें। कासिम मोहम्मद 4 मैच में 67 रन और 1 इनिंग में बॉलिंग करते हुए 1 विकेट है, वनडे में 5 मैच में 40 रन 2 विकेटें। इसके बाद अदील अख्तर, पहले वाला मैच जो हो रहा था उसमें ओपनर के रूप में मेंशन किए गए थे जो प्लेइंग 11 आया था, लेकिन फिलहाल देखना पड़ेगा, 3 मैच में 83 रन 42 का हाईएस्ट स्कोर 28 का एवरेज और 2 इनिंग में बॉलिंग करते हुए 5 विकेटें। इसके अलावा खालिद सवैज 4 मैच में 41 रन और 3 इनिंग में बॉलिंग करते हुए 2 विकेट है, वनडे में भी 1 मैच में 1 विकेट है, 12 रन है। लाला जहांगीर के 4 मैच में 3 विकेट हैं, अली नवेज के 2 मैच में 46 रन है, 1 विकेट है।
और वनडे में भी 4 मैच में 48 रन है। असद राजा के 4 T10 के 3 इनिंग में बॉलिंग करते हुए 3 विकेट हैं और वनडे के 32 मैच में 282 रन, 1 विकेट है। हमजा हबीब राइट आर्म फास्ट बॉलर के 5 मैच में 2 विकेट हैं। अरसलन मोहम्मद के 3 मैच में 4 विकेट हैं। बेंच पर भी कुछ प्लेयर्स हैं, इनके भी स्टेटस आप देख करके रखिएगा अगर कोई प्लेइंग इलेवन में खेलेगा, जैसे नबील और साथ ही साथ यहाँ पर शाहिद वसीम, ये दोनों प्लेइंग इलेवन में है। इवन मलिक फहद भी प्लेइंग इलेवन में है पहले वाले मैच की, और ऊपर आपको जो मैंने प्लेइंग इलेवन दिखाई ये प्रोबेबल है शायद इस मैच में कुछ जो पहले वाले मैच में उनमें से कुछ प्लेयर नहीं खेल रहे थे। तो ये दोनों कंप्लीट स्क्वाड एनालिसिस दोनों ही टीमों की, उनके प्लेइंग इलेवन और प्रोबेबल बैटिंग ऑर्डर के साथ साथ ही साथ पिच रिपोर्ट भी आपको मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया, जिसको ध्यान में रखिएगा ग्रैंड लीग की टीम बनाते हो। फिलहाल स्मॉल लीग की जो टीम होगी वो यहाँ पर ये वाला टीम आप बना करके सेव कर लीजिए, इसमें ये 3 बैट्समैन या 1 विकेट कीपर और ये 4 ऑलराउंडर और ये 3 बॉलर्स यहाँ पर होंगे। बाकी अगर इसमें कोई चेंज होगा कप्तान और उस कप्तान आप देख ही रहोगे, तो उसका अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक है। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल करते हैं इस वीडियो यहीं पर ख़त्म, चलते हैं, नमस्कार।